सलमान खान को बॉलीवुड का सबसे पावरफुल खान स्टार कहा जाता है। सलमान खान पर कई दफा आरोप लगा है कि वो जिसे नापसंद करते हैं उसके कैरियर को बर्बाद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सेलेब्स उन पर ऐसे आरोप लगा चुका है। नंबर वन, साल 2006 में एक कॉन्सर्ट में जॉन और सलमान खान के बीच बहस हुई थी। फिल्म बाबुल के सेट पर सलमान खान और जॉन अब्राहम के बीच तीखी बहस हुई थी। इसके बाद दबी जुबा में लोग कहते हुए नजर आए कि कई फिल्मों से जॉन को हटवाने के पीछे सलमान का ही हाथ रहा है। नंबर दो, जब मीडिया में ऐश्वर्या ने सलमान के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी तो उसके बाद कई फिल्मों के सेट पर जाकर सलमान उनके साथ बदतमीजी करते हुए भी पकड़े गए थे। इस वाकये के बाद कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने ऐश के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। नंबर तीन, अरिजीत सिंह और सलमान खान की दुश्मनी तो किसी से भी छिपी नहीं है। अरिजीत सिंह ने सलमान खान को लेकर कहा था कि उन्होंने जबरदस्ती अपने फिल्म से उसका गाना निकलवा दिया है। इसके बाद सलमान ने अरिजीत को कभी नहीं माफ किया और कई फिल्मों से उनका नाम भी छीन लिया। नंबर चार, सलमान खान का साथ छोड़कर जब कैटरीना ने रणबीर कपूर का हाथ थामा था तब उनके कैरियर की रफ्तार भी धीमी पड़ गई थी। इसके पीछे सलमान खान का ही हाथ बताया जाता है। नंबर पाँच, कैटरीना कैफ की वजह से ही रणबीर कपूर तो अब सलमान खान को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सलमान खान ने रणबीर के भी रास्ते में कई कांटे बिछाए हैं। नंबर छह, जिया खान के निधन के बाद उनकी मां ने मीडिया में कहा था कि सलमान खान की वजह से ही सूरज पंचोली इस केस से बचकर निकल गया। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जिया खान के कैरियर में रोड़े डालने वाले भी सलमान खान ही थे। नंबर सात, सुशांत सिंह राजपूत को मेंटल हैरेस करने के आरोप सलमान खान के कई बार लग चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लोगों ने उनको बायकॉट करने का फैसला भी लिया था। नंबर आठ, एक्टर साहिल खान ने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि बॉलीवुड में एक पावरफुल खान स्टार ने उनका कैरियर चौपट कर दिया था। नंबर नौ, दबंग 2 के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर बुली करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सलमान ने उनके कैरियर को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। नंबर 10, बिग बॉस में आकर जुबैर खान को सलमान खान के साथ पंगा लेना काफी खला है। अब जुबैर इंडस्ट्री में काम मांगते फिरते हैं। नंबर 11, सोना महापात्रा का कैरियर डुबोने का आरोप भी सलमान खान पर लग चुका है। नंबर 12, सोनू निगम ने एक वीडियो जारी करके साफ कहा था कि सलमान खान ने उनके कैरियर पर लात मारने की पूरी कोशिश की थी। नंबर 13, बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर का कैरियर भी डगमगा ही रहा है और इसका पूरा क्रेडिट सलमान खान को ही जाता है। अर्जुन कपूर जब से मलाइका अरोड़ा को डेट कर रहे हैं तब से वो सलमान खान की आंखों में गड़ रहे हैं। नंबर 14, बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय और सलमान खान के बीच ऐश्वर्या राय बच्चन के चलते खूब लड़ाई हुई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि विवेक को बॉलीवुड में काम मिलना ही बंद हो गया। सालों बाद विवेक इक्का दुक्का फिल्मों में काम करते हुए नजर आए। ऐसे ही बॉलीवुड गपशप पाने के लिए हमारे चैनल फिल्मी टॉप टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।